फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार सरकार बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार चाबुक चलाते नजर आ रही है। आपको बताया कि बिहार में लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है, आईटी और ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी हो रही है। ऐसे में आपको बताया कि बीते दिनों बिहार के एक इंजीनियर के आवास पर निगरानी विभाग ने जब छापेमारी की तो उनके आवास से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुई है। और आपको बताया कि ये जो कैश है ये 2 बैग में ठूस ठूस कर भरा हुआ था। इतना ही नहीं, 2.5 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति का भी पता चला है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने भवन निर्माण विभाग के पटना सेंट्रल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के आवास से 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किया है। आपको बताया कि 2.5 करोड़ की अचल संपत्ति और 30 लाख रुपए के गहने मिलने की सूचना है। कार्यपालक अभियंता के आवास से रुपए भरे 2 बड़े बैग मिले हैं जिसमें 2000 और 500 के नोट ठूस ठूस कर रखे गए थे। दानापुर के एक ठेकेदार को 16 लाख रुपए के भुगतान के एवज में 2 लाख रुपए नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार संजीत कुमार के गर्दनीबाग स्थित हरेंद्र विला के आवास पर शुक्रवार को जब निगरानी टीम पहुंची तो कैश देखकर हैरान रह गई। सूत्रों के मुताबिक हरेंद्र विला स्थित आवास और बक्सर स्थित उनके पैतृक आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला है। अभियंता के घर के निर्माण और साज सज्जा पर भी लाखों खर्च किए गए हैं। निगरानी की कार्यवाही देर रात तक जारी रही। भवन निर्माण के सेंट्रल डिवीजन में तैनात ये कार्यपालक अभियंता संजीत हैं जिनके आवास पर निगरानी ने छापेमारी की थी। मुजफ्फरपुर के पूर्व आईजी के रिश्तेदार बताए जाते हैं और हिरेंद्र विला के बेसमेंट में एक कमरे में जब निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी तो रुपयों से भरा बैग मिला था। साधनापुरी में एक और फ्लैट की इनकी जानकारी मिली है। आपको बताया कि गर्दनीबाग स्थित आवास और बक्सर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी पड़ी थी। नगद राशि और भी बढ़ सकती है। निगरानी की टीम को शुक्रवार की देर रात तक रुपए गिनने की मशीन नहीं मिल पाई थी। हालांकि टीम के सदस्य रुपए गिनने की कोशिश करते रहे। शनिवार की सुबह मशीन मिलने के बाद रुपए की सही गिनती हो सकेगी और देर रात तक निगरानी की टीम बैंकों से रुपए गिनने की मशीन के लिए संपर्क किया जाता रहा। इतना ही नहीं, दरअसल कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के खिलाफ सगुना मोड़ के आनंद कुमार पिता अवधेश गोप ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 1 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। ग्लोब एजेंसी के संचालक आनंद कुमार का भवन निर्माण विभाग में कराए गए 3 कार्य के करीब 16,08,000 रुपए का भुगतान बाकी है। इसी पैसे के भुगतान के एवज में कार्यपालक अभियंता ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ब्यूरो को मिली शिकायत के बाद इसका सत्यापन कराया गया जिसमें रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। इसके बाद अब केस दर्ज किया गया। आपको बताया कि DSP पवन कुमार के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया यानी रेड कमेटी का गठन किया गया जिसमें शुक्रवार को धावा दल ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त संजीत कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तलाशी के दौरान पटना स्थित आवास से भारी मात्रा में नगद राशि और स्वर्णाभूषण यानी ज्वेलरी आदि बरामद किए गए। तो देखिए, बिहार के ये भ्रष्ट इंजीनियर साहब के ऊपर जब निगरानी विभाग ने छापेमारी की तो इनके सारी काली कमाई की पोल पट्टी खुल गई। इनके आपको बताया कि बिहार में लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर और व्यवसायियों के ऊपर बिहार सरकार की चाबुक चल रही है। छापेमारी के बाद जो भी काली कमाई है इसका पोल खुलते नजर आ रहा है। ऐसे में बीते दिनों पटना के एक इंजीनियर संजीत कुमार के आवास पर जब निगरानी विभाग ने छापेमारी की तो उनके आवास से आपको बताया कि 2 बड़े बैग कैश से भरे बरामद हुए जिसमें करीब 1 करोड़ कैश थे। और इतना ही नहीं, उनके पास 2.5 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति की भी जानकारी निगरानी विभाग ने दी है। और आपको बताया कि संजीत कुमार के ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।